कृष्ण जन्म एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जिनके घर में लक्ष्मी की पैसा की कमी है कहते वो एकादशी करोगे ना घर में लक्ष्मी बढ़ती है, घर में लक्ष्मी आती है, इसको नाम इंदिरा। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, दुख कष्ट जीवन में क्यों भोग करते हैं, ये पूर्व जन्म का पाप का फल है, अगर वो एकादशी करोगे ना तुम्हारे जीवन में जितने पाप है समस्त पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। एक एकादशी का नाम अन्नदा, घर में अगर अन्न शस्य की कमी है वो एकादशी व्रत करने से घर में खूब अन्न शस्य आएगी। एक नाम विजया, अगर वो एकादशी करोगे ना तुम किसी का काम में तो फेल कभी नहीं होगे, जिस चीज में हाथ लगाओगे तो वो काम जरूर तुम्हारी बनेगा, इसलिए उसका नाम विजया। एक एकादशी का नाम मक्षदा, मतलब जो एकादशी करने से तुमको जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्ति मिल जाएगी। कभी कोई ग्रंथ हो तुम्हारे घर में एकादशी, अब पढ़ करके देख लेना, हर एकादशी का फल अलग 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 अद्भुत एकादशी से, इसलिए आपको कोई भी व्रत रख, कोई सोम मंगल कोई इतना व्रत रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने को मनाओगे बताओ, एक को मनाओ दूसरे मुंह फुला कर बैठेगा, तीसरे को खुलाओ चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएगा, लेकिन जो एकादशी व्रत ये बांके बिहार का व्रत है, ये भगवान कृष्ण राम नारायण की व्रत है। जब भगवान कृष्ण खुश हो गए ना ये 33 करोड़ देवता अपने आप तुम्हारे ऊपर में खुश हो जाएंगे, इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत को जरूर करना। जो कथा भागवत में ही जो एकादशी की कथा आती है, देखो आपकी मैं अपना एक अनुभूति की बात बताता हूँ, मैं यूरोप प्रचार करने के लिए गया था, वहां पर एक रोटोड्रम है, वहां पर है यूरोप में हॉलैंड है, वहां पर एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में भर्ती था, शरीर हड्डी हड्डी रह गया था, किसी तरह से मृत्यु नहीं हो, गला में प्राण अटक गया, इतने पैसा खर्चा हो रहा था जो सोच नहीं, उनको पता चला भारत ऐसे कोई के साधु आया है, तो वो मेरे पास में आए, मेरे को हॉस्पिटल में लेकर गए, बोले बाबा ये हमारे पिताजी है 2 साल से हॉस्पिटल में पड़े हुए, मृत्यु नहीं हो रहे, इतने पैसा खर्चा हो रहा है, आप कृपा करो कैसे जल्दी इनको मुक्ति मिल जाए, है एकदम हड्डी हड्डी एकदम बेहोश होकर पड़े हुए। मैंने कहा एक काम करो आप लोग एकादशी व्रत करके इसका फल दो। बोले बाबा और 10 दिन बाकी, एक एक दिन बड़े कठिन से बीत रहा है, कोई जल्दी उपाय बता। मैंने कहा एक काम करो, सबको हाथ में फूल दिया, बोले ये फूल लेकर के मैंने स्वस्ति वाचन बड़ा संकल्प कराया, बोलो हम लोग 10 दिन बाद में जो एकादशी व्रत आएगा हम सबके सब एकादशी व्रत करके इनको फल देंगे, हाथ में मैंने फूल देकर संकल्प कराया, सबके सब संकल्प किया। मैं जो हॉस्पिटल से आ गया ना, जब मैंने जिस भक्तों के घर में था, जब उनको घर में पहुंचा उनको फोन आया, बोले बाबा जी पिताजी की सदगति हो गई, उधार हो गया, पिताजी की उधार हो गई। इसलिए इसलिए आप लोग भी देखना, जैसे कोई व्यक्ति साल साल से पड़ा हुआ किसी पंडितों के घर में बुलाओ, इनकी जल्दी जल्दी मुक्ति कैसे होगा, आप देखना कोई बाहर व्रत का नाम वो नहीं बोलेगा, बोलेगा एकादशी व्रत करके इसको कोई फल दे सकते हो, कोई व्रत का नाम नहीं बताया। इसलिए ये भागवत में व्यास देव जितने व्रत है व्यास देव ने ही लिखे हैं, इसलिए भागवत में केवल एकादशी कथा आती है, जिसको मैया जसोदा रखती थी, अंबरीश महाराज रखते थे, रुक्मिणी सत्यभामा रखती थी, इसलिए कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त हुए हैं। इसलिए कौन सा एकादशी व्रत रखोगे बोलो, एकादशी जरूर रखना। देखो जो एकादशी व्रत है एकादशी जो व्रत है कोशिश करना, अगर दोपहर तक जैसे बिना खाए पी रहे एक दिन खा कर रह सकते अच्छी बात है, खाने के लिए तो बहुत फल मूल, खाने के लिए मिठाई ड्राई फ्रूट, खाने के लिए तो बहुत सारी चीज, खाए के लिए खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी चीज, बल्कि हमारे मंदिर में तो बाबा लोग कहते हैं भैया एकादशी कब आए, क्यों रोट रोट रोज रोज क्या खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, एकादशी का दिन फ्रूट क्रीम कभी बना देते हैं, फल है पकौड़ा कभी है, कुट्टू आटा की पकौड़ा बनी जाती है पकौड़ा बनी जाती है कभी कभी, फिर एकादशी का दिन मूंगफली मखाना का खीर, हरे हरे कृष्णा। इसलिए खाने के लिए तो बहुत सारी चीज है, अगर किसको शुगर हो कोई बोलेगा भैया हम तो शुगर है हम तो रह नहीं सकते बिना खाए पिए, बोले कोई चिंता नहीं खाओ, लेकिन केवल अन्न को नहीं खाओ, अन्न को केवल छोड़ दियो, 2 बार भी खा सकते 3 बार भी खा सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बीमार, लेकिन केवल क्या करना अन्न को त्याग देना है। जैसे 5 जो रबी सस्य है, जितना प्रकार दाल है गेहूं है जौ है सरिषा है,
जो जैसे आप लोग नवरात्रि रखते होंगे ना, नवरात्रि जैसे व्रत रखते हो, एक टाइम ही खा सकते हो। अच्छी बात, कीड़ा नहीं खा रहे तो और अच्छी बात। अगर भोजन करे तो एकादशी 12 बजे तक वैसे रहो, उसको बाद में जैसे फलाहार करते हो फलाहार करो। और जो दूसरे दिन है, एक निर्दिष्ट समय रहता है, इसी समय के अंदर में व्रत खोलनी चाहिए। जैसे 9:30-10 बजे अंदर में ऐसे कुछ समय रहता है, उसको अंदर में व्रत को खोलना होता है, व्रत को खोल देना। हाँ, और ये बात है, हरे कृष्ण। हाँ देखो, जो लोग चाहते हो, जैसे 7 दिन तक आप लोगों ने कथा सुनी, अब तो 7 दिन के बाद में चले जाएंगे, हो सकता है यहाँ 2-3 घर को बाद में हमारे कौन माता जी, संतोष माता जी, उनका बेटी है, वो भी बोल रहे थे हम भी कथा करवाएं। हो सकता है 2 महीना बाद में उनके बाहर घर में कथा हो सकती है। और जिस गली में संतोष माता जी रहती है, उसी गली में भी वहां से भी 2 माता जी आई थी, बोले बाबा हम भी चाहते अपना घर में कथा कराने के लिए। उनका अंडरग्राउंड शायद बहुत बड़ी है, हो सकता है यहाँ पर कथा बीच बीच में होती रहेगी, हैं होती रहेगी, इसलिए हम तो चले जाएंगे। लेकिन आप अभी भक्ति में कैसे जुड़ करके रहोगे, भक्ति में जुड़े कैसे रहोगे। हमारे एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, एक हमारी एक माता जी विशाखा दीदी, जो कि वो क्लास देती है, उसमें सवेरे सवेरे उठा करके सबका हरिनाम कराती है और वहाँ पर क्लास देती हैं। और वो क्लास में भी आप लोग वो क्लास भी सुन सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी बात, थोड़ी जो लिखी पढ़ी माता है, अगर आप लोग उसमें जुड़ जाओगे तो आप कंटिन्यू वो कथा को सुन सकते हो। फिर उसमें पेपर देते हैं, एग्जाम भी देती हैं, जो पढ़ते हैं क्लास देती हैं, वो कथा का नाम कृष्ण की ओर, मतलब भगवान के प्रेम की ओर हम कैसे बढ़ सकती हैं, हैं? उसमें एक है, अगर उसमें जोड़ोगे तो फिर उसमें क्या है, वो भी उसमें बीच बीच में पेपर भी देती है, पेपर में भी फिर उसमें मार्क भी देते हैं, जो अच्छे मार्क लाते हैं उसमें, जो अच्छे मार्क लाते हैं फिर उनको फ्री में उसको घुमाने के लिए ले जाते हैं। और गोपियों का ड्रेस भी देती हैं, कुछ ऐसे कुछ व्यवस्था की है, जैसे भक्ति में, जैसे कुछ लोग जिसमें भक्ति में जुड़े रहे। अगर आप जुड़ रहना चाहते हो कि वो जैसे कथा सुने, अभी तो ये गर्मी कुछ दिन तक रहेगी, लेकिन कुछ दिन बाद में ना फिर धीरे धीरे गर्मी खत्म होती जाएगी। फिर कुछ दिन बाद में मैंने देखा कुछ लोगों को माला दिया था, वो माला भी निकाल दिया, कुछ लोगों ने तिलक लगा देते, तिलक भी छोड़ दिया, भजन भी करते तो भजन भी छोड़ दी। रोहिणी से तो प्रभु, देखो हमारे ये पीछे के प्रभु जी रहते हैं, देखो इनको देख लो, ये प्रभु जी कभी कभी आते हैं क्लास देते हैं, हमारे दामोदर प्रभु, राजकुमार प्रभु, बीच बीच में यहाँ सत्संग भी होती रहती है। अगर आप लोग जुड़े रहोगे उन लोगों के साथ में, ये लोग बीच बीच में आकर क्लास देते हैं, भक्ति के बारे में बताते हैं। जो लोग भक्ति में जुड़े हुए ना, आप देखोगे वो सबके सब प्रकार हरिनाम भी ठीक करते हैं, भक्ति में धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। जैसे हमने के पौधा, अगर इसमें पानी देंगे तभी तो पौधा जिंदा रहेगी ना, पानी नहीं देंगे तो मर जाएगी। उसी तरह हमें तो हरि कथा सुने, भक्ति में आए हैं, भक्ति में आए हरि कथा, बाद में जब हम चले जाएंगे फिर आप जुड़े कैसे। इसलिए अगर चाहते हो हमारी भक्ति पनपनाते हुए आगे बढ़े, आपको जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आज जाते समय हमारे यहाँ पर एक कापी और एक पेन हम पीछे रखेंगे, आप लोग हैं, हम लोग आप लोग प्रभु जी आप रहोगे लास्ट रहोगे तो हम सोचते हैं उसमें कापी पेन में ना उनका नाम और इनकी फोन नंबर हम लेकर रखेंगे, ठीक। कौन कौन? रमेश प्रभु, आप दे जाना। अगर सचमुच से जो चाहते हो हृदय से, हम प्रभु की भक्ति के प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, हमारी भक्ति बढ़ते रहे हैं, इसलिए आप लोग अपना नाम और अगर फोन नंबर दे करके जाओगे, आप उसमें आप हम जोड़ देंगे, आप घर में बैठ बैठ कर कथा सुनते रहोगे, आपको कहीं जाने का भी जरूरत नहीं, घर में बैठ बैठ कर कथा सुनते रहोगे। और यहाँ पर जब ये लोग आएंगे फिर आप लोग बुला लेंगे, फिर आओगे तो कथा सुनोगे, आपका धीरे धीरे भी भक्ति आपकी बढ़ते रहेगी, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पहला चीज है एकादशी व्रत रखना, और जो दूसरा जो चीज है क्या करना, हर घर घर में ठाकुर जी होनी चाहिए। किसको किस घर में ठाकुर जी, हाथ उठाओ तो, ये तो बहुत अच्छी है। अरे कोई ठाकुर जी किसको, कोई हाथ नहीं उठा रहे, बताओ ठाकुर जी किसको किसको घर में, ठाकुर जी की पूजा होती है, हाथ उठाओ, कोई हाथ नहीं उठा रहे। इसलिए जरूर हमारे घर में ठाकुर जी की पूजा होनी चाहिए,
जिस घर में ठाकुर जी की पूजा सेवा हो ना, इसलिए कहते ना मंगल भवन है, बोलो मंगल भवन है मंगल हरि। ये दुकान मकान किसने दिया हमें बताओ, कि ठाकुर ने दिया है ना। जब ठाकुर जी हमें दिया है तो उनके लिए थोड़ी क्या समय नहीं दे सकते, दुनिया के लिए तो हम समय देते हैं, जो कुछ हमें कुछ भी देने वाले नहीं। और जो ठाकुर हमें सब कुछ देने वाले, जिसने हमें सब कुछ दिया, उसी के लिए भी हमें कुछ करनी चाहिए। मैंने उदाहरण देता था ना, जैसे अपना शरीर को अच्छे तरह से श्रृंगार करो, ध्यान देकर सुनो माताएं, पीछे जो बैठे हो गप्पे मत मारो। इसलिए जैसे अपना शरीर को अच्छे तरह से सजाया, सजा करके शीशा को सामने खड़े हो जाओ, आप देखना ये शरीर को जैसे सजाओगे तुम्हारी परछाई को सजाने का जरूरत नहीं। ये मूल शरीर क्या, ठाकुर जी। अगर ठाकुर जी को तुम जैसे सजाओगे, जैसे ठाकुर को सेवा पूजा करोगे, तुम जो परछाई मतलब सुन स्वयं अपना है, हम भी अपने आप खुश में रहेंगे। जितने ठाकुर को देख लेना, जितने ठाकुर को रोज उनको स्नान कराओगे, भोग लगाओगे, ठाकुर का श्रृंगार कराओ, देखना घर में उतना ही शांति सुख रहेगी। लेकिन जिस घर में ठाकुर का सेवा पूजा नहीं, केवल पैसा कमाओ खाओ पिए मर जाओ, अरब खरब रुपया तुम्हारे घर में आ जाए, शास्त्र कहता है घर में शांति नहीं रहेगी, देख लेना। क्योंकि जो लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं, लक्ष्मी नारायण की। जब वो नारायण की ठाकुर की सेवा में लगेगा घर में, तभी लक्ष्मी तुम खुश देगी, नहीं तो भाई भाई में लड़ाई लगा देगी, बहन बहन में लड़ाई लगा देगी, बहू बहू में लड़ाई लगा देगी, कोई सी मामला मुकदमा ठोक देगी, सारे करोड़ों रुपया बह जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी ये एक चीज याद रखो, लक्ष्मी ठाकुर जी की, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं। ये लक्ष्मी तभी खुश होगी जब लक्ष्मी घर में ठाकुर को सेवा में लगती होगी, उसी घर में ही शांति सुख ये लक्ष्मी देती है, हैं ये संतों की कहावत है। इसलिए हर घर में ठाकुर जी जरूर होनी चाहिए। जिसने तुम्हें दुनिया दिया हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिनके घर में है तो कोशिश करना अच्छे तरह से उनको श्रृंगार करो, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ, फिर उनका प्रसाद सबको दो। और जिनके घर में नहीं, जरूर तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हो, नहीं तो राधा कृष्ण हो, जरूर ठाकुर जी को घर में जरूर रखना। ये मत समझना कि तो पत्थर थोड़ी कुछ बोलते हैं। हाँ, एक छोटी सी कथा सुन लो। बोले एक समय, ये अयोध्या की सही घटना है, अयोध्या में कोई एक संत थे, उनका एक छोटा बच्चा शिष्य था जिसका नाम था रामदास। एक दिन गुरु जी ने कहा, बेटा रामदास मेरे को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्या ये राम दरबार है इनको सेवा कर सकते हो। बोले गुरु जी अगर आपका आज्ञा हो तो क्या नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। बोले ठीक है बेटा, अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा करियो। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, अब जाओ। अभी वो क्या करता है, रोज रोज भिक्षा मांग करके लाता है, लकड़ी लाता है, ठाकुर जी के लिए रोटी सब्जी बना करके ठाकुर को भोग लगाता है। जब भोग लगाए ना, कुछ दिन बाद में तो थक गया अकेला, जाओ लेकर के आओ रोसी बनाओ। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी को बोल दिए, जब ठाकुर जी को देखो क्या हुआ, जब गुरु जी चले गए उन्होंने ठाकुर को रोटी सब्जी ठाकुर रख दिया और ठाकुर जी भोग लगा। लेकिन वो छोटा बच्चा था, इतने ज्ञान नहीं था, वो क्या सोचता था, जैसे हम बैठ कर खाते हैं ना, ठाकुर भी ऐसे बैठ कर खाएंगे, हैं। ठाकुर को सामने जब रख दिया, पीढ़ी रख दिया पतल में, लेकिन देखा ठाकुर जी बैठ कर भोजन नहीं कर रहे, ठाकुर वैसे जैसे बैठे हुए। तो उन्होंने बोला, ठाकुर जी आप तो गुरु जी को हाथ में रोज खाया करते थे, हैं, आप आज क्यों नहीं खा रहे, और गुरु जी बोल कर गए अच्छे से बढ़िया से सेवा करना, अगर आप भोजन नहीं करोगे तो फिर गुरु जी डांट लगाएंगे, उतर कर खाओ, पीढ़ी में बैठो, राम दरबार है, अब भोजन करो। लेकिन तब भी ठाकुर जी आकर खा नहीं रहे। बोले अगर आप नहीं खाओगे ना, आप अयोध्या गए होंगे, वहाँ सरजू नदी बह रही, सरजू, बोले ये सरजू में आत्महत्या कर दूंगा, नहीं तो गुरु जी मेरे को डांट लगाएंगे। फिर वो सरज में आत्महत्या करने के लिए बच्चा गया, ठाकुर जी हिल गए, ठाकुर जी हिल गए, ठाकुर जी हनुमान जी को बोले, हनुमान जी जल्दी जाओ वो बच्चे को पकड़ कर मिलाओ। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे, क्योंकि भगवान प्रेम की भूखे है ना, ठाकुर जी प्रेम की भूखे हैं। इतने में वो छलांग लगाने जा रहे थे, हनुमान पीछे पकड़ लिए, बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे। बोले भोजन कर रहे, बोले हाँ आया तो देखा भगवान राम भोजन कर रहे थे, मैया जाने की भोजन की, लक्ष्मण शत्रुघ्न, फिर हनुमान जी फिर लास्ट में भोजन किया। जब कुछ दिन सेवा की ना, अकेला अकेला बेचारा एक दिन दुखी हो गया, बोले ठाकुर जी मेरे से इतना हो नहीं पा रहा, भिक्षा करो लकड़ी लाओ, मैं अकेला कितना करूँ। ठाकुर जी बोले बताओ हमें क्या करना पड़ेगा।
पर आपका घर की पिता आपको ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, आप केले का पता ले आओ, धुना बना दो तो पता ले आओ, इतना करो। मैया सीता बोली बताओ मैं क्या करूँ, बोले आपकी घर की माँ क्या करती है, रसोई बनाती है। बोले भैया आप तो 14 साल में, मैं तो यही ठाकुर का सेवक किया, 14 साल रसोई बनाई, मैं कर दूंगी। इतने में हनुमान श्री लक्ष्मण को बोले मेरे को क्या करना पड़ेगा, बोले आप थोड़ा सुखी सुखी लकड़ी जंगल से ले आना। बोले भैया आप तो 14 साल यही काम किया, ले आऊंगा। हनुमान जी बोले मेरे को क्या करना पड़ेगा, बोले हर चीज को रखवाली पूरा कर देंगे। बोले भैया मैं तो यही काम करता हूँ, यही काम कर दूंगा। अभी ये केवल भिक्षा लेकर के आता है और सारे काम बढ़िया से हो रहा है। कुछ दिन बाद में गुरु जी की लेटर पत्र आया, बोले रामदास मेरे साथ में कुछ संत लोग आ रहे हैं, एक टाइम के लिए तुम खाने का व्यवस्था कर देना, अरे हम आकर के देख लेंगे। इतने में उसने गए मैया के पास में, जानकी के पास में, गुरु जी को पत्र आया है, गुरु जी के साथ में कुछ संत लोग आ रहे हैं, कहते एक टाइम के लिए खाने का व्यवस्था कर तो हम देख लेंगे। बोले बेटा चिंता क्यों करती हो, तुम तो बोले ज्यादा थोड़ा भिक्षा ले आना, मैं तो रसोई बनाऊंगी ना। लक्ष्मण भैया दादा लकड़ी ले आई हो जाएगा। इतने में उसने पत्र गुरु जी को पास में भेज दिया। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, मैया कहती है जितना संत आना चाहे खूब संतों को लेकर के आए हैं, और भगवान राम रोज दुना और पत्ते ले आते हैं, लक्ष्मण भैया सूखे सूखे लकड़ी ले आते हैं, और हनुमान भैया वो सब चीज देख लेते हैं, केवल मैं भिक्षा करता हूँ, और मैया तो रोज छापान भोग 36 व्यंजन बनाती, बड़ी सुंदर ठाकुर को सेवा चल रहा है। अभी गुरु जी जब ये पत्र को पढ़ाना बोले पागल क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण लकड़ी ले आते हैं, हनुमान भैया उनको तो कुछ पता नहीं ना गुरु जी को। गुरु जी बड़े चिंता करते करता है छोटा बच्चा किया होगा नहीं होगा, घर में आकर के देखा पूरा घर में छापान भोग 36 व्यंजन पूरा घर भरा हुआ। बोले इतने सारे खाना बनाया किसने, देखा माँ सीता स्वयं कोने में बैठकर बना रही, रसोई बना रही। जब उन्होंने गुरु जी को देखा थोड़ी सी मैया सीता मीठी मीठी मुस्कुराई और वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। तो उन्होंने पूछा बेटा ये सब क्या है, बोले गुरु जी आप जब चले गए ना आप बोले बढ़िया से खिलाना, मैं तो ठाकुर को खिला रहा था, ठाकुर खा नहीं रहे थे, मैंने रोने लग गया तब भी नहीं खाए, जब मैं सरज में आत्महत्या करने जा रहे थे ठाकुर खाना शुरू कर दिया, कुछ दिन बाद में मैंने कहा अकेले से नहीं हो पा रहे हैं, फिर सबके सब सेवा कर रहे हैं। गुरु जी धन्य हो गए, बोले बेटा तेरे जैसे चेले को पा करके मेरे जीवन धन्य हो गया है, तेरे जैसे चेले को पा करके। इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले मैया जसोदा बस सबर के जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तो भगवान सब कुछ करते हैं, ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, लेकिन हृदय में तुम्हारी भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए। अगर आप ठाकुर को सही सही सेवा करोगे ना, स्वयं देख लोगे जिस घर में ठाकुर की बढ़िया सेवा होती है, कोई भी दिक्कत आएगी ना तुम देखोगे जैसे, इसलिए कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे, स्वयं आप देख लोगे। भगवान स्वयं कहते हैं मेरे तरफ में तू एक कदम बढ़ा करके देखा, देखना मैं तू तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन 10 कदम बढ़ाएंगे कब, जब ठाकुर के लिए करोगे। इसलिए क्या करना, हर घर में ठाकुर जी को बढ़िया से भोग लगाओ, कोशिश करना प्याज लहसुन को छोड़ देने के लिए शुद्ध भाव में भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, देखना घर तुम्हारी भगवान की धाम हो जाएगी। तो जो तीसरा जो चीज लेनी चाहिए हर घर में, ये जो तुलसी पौधा है ना, हर घर में तुलसी पौधा होनी चाहिए। किस किस घर में तुलसी वृक्ष है बोलो, हाँ ये जो तुलसी पौधा है ना, भगवान जब ये जगत छोड़ कर गए अपनी आप को कहाँ रख कर गए, ये तुलसी में रख कर गए। हम कहते ना वृंदावन चलो बांके बिहारी, वृंदावन मतलब क्या, वृंदावन जहाँ तुलसी का वन ठाकुर जी वहीं पर है। अब ये तुलसी ये माँ लक्ष्मी स्वयं, ये तुलसी माँ लक्ष्मी है। आप देखना जिसकी घर में जितने सुंदर तुलसी हो ना, आप देखना उसका भक्ति भी उतना बढ़ती, भक्ति भी उतना बढ़ती है। इसलिए तुलसी सेवा घर में, इसलिए कहते ना आली मोहे लागे वृंदावन हनी को, आली मोहे लागे वृंदावन हनी को, आली मोहे लागे वृंदावन हनी को, आली मोहे लागे वृंदावन।
वृंदावन धाम की। इसलिए घर में तुलसी रखना। हमारे यहाँ पर एक प्रभु प्रेमचंद ग्रुप के बड़ौते से आए हैं, इनकी घर को छत को भर में इतने तुलसी वृक्ष है, पूरा छत छत में पूरा तुलसी वृक्ष को, और वहाँ से रोज रोज तुलसी को ला करके मंदिर में रोज रोज ठाकुर की सेवा के लिए रोज रोज तुलसी ला करके ठाकुर का सेवा करते हैं। इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा, ठीक है ना। घर में देखना, जिस घर में तुलसी जितने बढ़िया होगा आप देखना उसका भक्ति भी उतना बढ़ेगा, उसकी भक्ति भी उतना भक्ति बढ़ेगी। आप देखना किसी किसी घर में तुलसी नहीं रहती, ये अच्छी चीज नहीं है, हैं? कोशिश करना तुलसी सेवा करोगे तो घर में लक्ष्मी भी घर में आएगी, और गले में सबके सब जरूर तुलसी की कंठी पहना करो। ये तुलसी कोई लकड़ी नहीं है, ये तुलसी सुना है ना लक्ष्मी नारायण, गले में कंठी मतलब है लक्ष्मी नारायण तुम्हारे घर में। अभी कोरोना आएगा ना, जो व्यक्ति बोला तुलसी की जूस पिया करो, तुलसी दुकान में जाकर के दवा ढूंढना तुलसी पावा, उसमें कागजों को पढ़ करके देखना 200 बीमारी की मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष है। पृथ्वी में कितने किसी चीज में एक माता जी को कैंसर हो गया, मैंने स्वयं देखा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कोई प्रतिकार नहीं, लेकिन किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गए बोले तुलसी की पत्ता खाओ उसको जूस पियो कैंसर सही हुआ। इतने ये तुलसी वृक्ष में इतने मेडिसिन है, ऐसे कोई बीमारी नहीं जो तुलसी वृक्ष से सही नहीं होगा। इसलिए गले में कंठी रहेगा, स्नान करोगे ना पानी सारा शरीर में जाएगा, सारी बीमारी निकल जाएगी, सारा शरीर में पानी जाएगा तो पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ में तुम्हारी स्नान भी हो जाती। बड़ी महिमा तुलसी की, जम स्वयं कहते जम दूतों को, जिनकी गले में तुलसी कंठी होगा यहाँ उनको मेरे पास में मत लाया करो, स्वयं कहते मेरे पास मत लाना, समझ जाना ये ठाकुर जी के भक्त है। इसलिए वो एक उदाहरण देते हैं, कहते दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू और एक फालतू। कैसे पता चलता पालतू है, गले में उसकी पट्टा बंधा हुआ रहता है, हैं? देखने पर पता चलता किसी घर की कुत्ता है, और जिसकी गले में पट्टा नहीं वो कौन है। आप देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, इसलिए हमें जिसकी गले में कंठी हो किसकी पालतू है बात के भी। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, इस श्लोक देखो बोले ललाटे तिलकम नास्ती कंठ नास्ती त्रिकंठ कहीं, जम स्वयं कह रहे हैं जिसकी गले में तुलसी कंठी तिलक है भगवान की, उनको मेरे पास में मत लाना वो भगवान को पास में जाएंगे, ये यम स्वयं कहते हैं। इसलिए फालतू होकर मत घुमा दो, क्या बनो हाँ। इसलिए अभी कथा के बाद में जिनकी इच्छा होगी भैया हम फालतू बनना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ बांके बिहारी जी ठाकुर जी की पालतू होना, कथा के बाद में मेरे रूम में आना आपको हम पालतू बना देंगे, ठीक है गल। लेकिन उसको पहनने का एक नियम है, हम लोग तो मांस मछली खाते ही नहीं, लेकिन प्याज लहसुन उनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जो चौथा जो चीज है ना, भगवान के नाम जप करना पड़ेगा। एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 करना पड़ेगा। यही नाम ही अंतिम समय में हमारे साथ हो जाने वाले। मैं कल चार ही बहुओं की कथा सुना रहा था ना, बताओ तो किसको किसको याद है, कल सुना रहे थे ना एक राजा की चार ही बहुएं थी, किसको याद है हाथ उठाओ तो, कोई भी याद नहीं कर पाए। हाँ प्रभु जी कह रहे सब सो रहे थे, सो नहीं रहते हो हाँ, कहते ये चार ही बहु कौन है। हाँ ध्यान देकर सुनो, जो चार ही बहु की कथा सुना रहे थे, राजा की कितना रानियां थी, चार। सबसे बड़ी रानी को राजा क्या करता था, ज्यादा उसको प्रेम करता था, उसकी मन पसंद चीज को देता था। और दूसरी नंबर की रानी जो थी वो बड़ी सुंदर थी, राजा उसको रात में सजा धजा करके दुनिया को दिखाता था। तीसरी नंबर की रानी कौन थी, जो बड़ी मीठी मीठी बोली बोलता था, मन की बात जिसको बोलता था। और चौथी नंबर की रानी कौन थी, बोला जोर से राजा, जिसको साथ में कोई मतलब नहीं रखा, उसको कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। लेकिन जब अंतिम समय आया उसने देखा मेरे चार चार रानियां, इनसे प्रश्न करके देखता हूँ कौन कहाँ तक देती है। जब पहला रानी से पूछा, पहला रानी कौन थी, राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उसको बोले तू साथ में चलोगी,
उसने क्या बोला, तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी हैं। और जो सबसे सुंदरी थी, राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, बोले तू क्या करोगी, चलोगी? उसने क्या बोला, बोलो, बोले मैं तो देख रहा हूँ तुम कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले शादी क्यों करोगी, बोले देख मैं कितने सुंदर, बोले है तो तू सुंदरी, बोले तू दुनिया को पहले ही दिखा कर रखा, मैं तो तू शरीर छोड़ते ही मैं दूसरे से शादी करूंगी। तीसरे से पूछा तू क्या करोगी, जो मीठी मीठी बोली बोलती थी, जिसकी मन की बात सुना देती, उसने क्या बोले, बोले मैं चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चल सकती हूँ, दरवाजा के आगे मैं नहीं चल सकती हूँ। और चौथी रानी, राजा जिसको जीवन में कभी पूछा ही नहीं, जब उसको पूछा तू चलोगी, उसने क्या बताया, पीछे कोई उत्तर नहीं दे रहे, वो भली राजा तेरे को मैं दिल से प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ मैं चलूंगी, सुख में सुखी दुख में दुखी बनी। कभी ये जो सबसे जो बड़ी रानी कौन थी, जिसको राजा सबसे ज्यादा प्रेम करता था, कौन थी बोला, शरीर। जिस शरीर को हम जतन करते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं, गोल गप्पे खिलाते हैं, ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं, उसको पूछे अंतिम समय में चलोगे, अरे ये शरीर साथ देगी, कल जब हंसा अकेला उड़ जाएगा तब खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, वो गई नहीं। दूसरे थी सुंदरी, राजा जिसको दुनिया को दिखाता था, उसको जो पूछा साथ में चलोगी, क्या बोली, मैं तो देख रहा हूँ दूसरे से शादी करूंगी मरने पर। सबसे सुंदरी कौन है, कहते बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, पैसा कितना कष्ट से कमाते, सबसे सुंदरी पैसा को बोले चलोगे, बोले तो मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या, ये शरीर छूटते ही पैसा दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी साथ में नहीं जाएगा। तीसरी पत्नी कौन थी, जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात सुनाता था, ये परिवार वाले हैं। पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी से पूछे साथ में चलोगी, बोले हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। पत्नी कहाँ तक चलती है, दरवाजा तक। परिवार वालों को पूछे कहाँ तक चलोगे, बोले शमशान तक चलेंगे, वहीं पर जला करके टाटा करके वापस आ जाएंगे, अभी कोई जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन राजा जिसको जीवन में कभी पूछा नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, लेकिन जब उसको उसने पूछा, वही केवल साथ दिया। वो कौन थी, जिसको अभी हम सबसे जीवन में निगलेक्ट कर रखे, बेकार से कोई काम भी काम की नहीं, कभी भगवान का भजन, भगवान का नाम है। अगर किसको बोले माला जप कर, बोले समय का, हमें टीवी देखने के लिए समय है, स्मार्टफोन देखेंगे, फिर गप्पे मारेंगे हैं, लेकिन भजन भजन के लिए हमारा समय कहाँ है, बोलते ना लोग समय कहाँ भजन करने के लिए। लेकिन अंतिम समय जब आएगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते ना, जिसको कंधे पर ले जाके उसको सुना तो बोले बेटा तेरे साथ में यहाँ से कोई चीज नहीं जा रहा है, जितने तुम्हें राम और कृष्ण का नाम जप किया ना, तेरे साथ में वही जा रहा है, और सब कोई बात झूठा है, यहाँ के सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं चल रहा है। इसलिए शास्त्र ने बताया, जब जब महाराज को पास में जाते हैं, वो एक ही प्रश्न करेंगे, ये 84 लाख जन्मों के बाद में ये जो देव दुर्लभ जीवन दिया, कितने तुमने भजन किया है, कितने तुमने नाम किए, वो ये नहीं सुनेंगे इतना छोरा थी, इतना चोरी थी, उनको पढ़ाया, विदेश में शादी किया, ये सब बात नहीं सुनेंगे, बोले कितने तुमने भजन किया, यही। इसलिए अंतिम समय में सुनाते हैं, इसलिए कौन सा रानी काम में आएगी, कौन सा रानी को प्रेम करके, बोलो चौथी रानी को। लगता है हम लोग समझ गए हैं, मतलब है भगवान की नाम जप करेंगे, ठाकुर जी की नाम जप करेंगे। इसलिए कुछ कुछ माता तो आई थी, माला लेकर गई है, आज भी आई थी, कल भी, आज तो लास्ट दिन है, जिनकी इच्छा होगी हम भी माला जप करेंगे, भजन करेंगे, कथा को बाद में मेरे रूम में आ जाना, आ करके एक माला लेकर जाना, खुद भी भजन करो, परिवार को भी भगवान का नाम जप कराओ, जहाँ प्रभु का नाम होगा घर में शांति और सुख आएगी, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, हर कृष्ण रुक्मिणी को तैयार किया कि नहीं, प्रभु जी राजेंद्र प्रभु जी कहाँ गए, राजेंद्र प्रभु जी, कृष्ण रुक्मिणी तैयारी है, हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण रुक्मिणी तैयारी है, जाकर देखो तर, जा जा तुम सब बैठ गए काम पे जाओ, और राजेंद्र प्रभु बुला दो, अभी कृष्ण रुक्मिणी शादी होगी, उसके बाद में सब प्रसाद पा कर जाना, ठीक है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, राजेंद्र प्रभु की तरफ बुला दो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
कहाँ गए? प्रभु जी प्रकृति आ रहे। कहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे हैं। जब जल्दी बुला, जल्दी उनको बुला दो, दोनों पति पत्नी को बुला दो यहाँ पर, दोनों पति पत्नी को बुला दो। आ गए? हाँ। आपको पत्नी कहाँ गई? बुलाओ, जल्दी बुलाओ। हाँ देखो, अभी प्रभु कृष्ण रुक्मिणी तैयारी हो गई कि नहीं? हाँ, उनको लेकर के आ जाओ, कृष्ण रुक्मिणी को। और आप भी दोनों आ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हरे कृष्ण। अभी कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी। कहती जो रुक्मिणी थी ना, इनके पांच भाई थे और इनकी सबसे छोटी जो बहन थी ये रुक्मिणी, ये साक्षात माँ लक्ष्मी थी, ये साक्षात माँ लक्ष्मी थी। बचपन में नारद जी को ये बात पता था, इसलिए नारद जी इनको आकर कृष्ण की कथा सुनाया करती थी। और ये कृष्ण कथा सुनते सुनते इनकी रोम रोम में ही कृष्ण बैठी गई थी। इसने प्रतिज्ञा की थी, मैं शादी करूंगी तो केवल द्वारकाधीश से शादी करूंगी। लेकिन इनका जो बड़े भाई रुक्मी, बल्कि ये ग्वाला गैया चराया करता था, भैया की ग्वाल का मैंने अपना मैं अपनी बहन ही नहीं दूंगा, किसी राजा महाराज से मैं बहन दूंगा। बोले किसको साथ में? बोले शिशुपाल। अभी रुक्मिणी को ये बात जब पता चला ना, उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया, एक सुंदर पत्र लिख करके भगवान को पास में भेज दिया। ठाकुर जी पीली पत्र देख करके समझ गए ये कोई प्रेम के पत्र है। देखो अभी कृष्ण रुक्मिणी को भी नहीं देखा, रुक्मिणी कृष्ण को भी नहीं देखे, अभी कोई किसी को देखे ही नहीं। लेकिन वो पत्र में इतनी अच्छी बात लिखी हुई थी, जो पत्र को पढ़ करके ठाकुर जी संतुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए। वो पत्र में लिखा हुआ था, ठाकुर जी जगत में सबसे सुंदर आप ही हो, आप जगतपति जगन्नाथ हो, हैं? कितना ऐसे बर को क्या बरे, जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल जूसो जो चुड़ल अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर की। कहते गोपी बना दो, ठीक है। इसलिए बोले प्रभु जब तक आपको मैं प्राप्त नहीं करूंगी, शरीर छोड़ते रहूंगी, लेकिन ये सियार को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। इसलिए प्रभु ये दो पति पत्नी को बुला दो, कृष्ण रुक्मिणी को बुला दो। इसलिए प्रभु आपको ही मैं स्वीकार करूंगा, ऐसे उन्होंने पत्र लिखे। भगवान कृष्ण सुन करके प्रसन्न हो गए और भगवान कृष्ण गए और जा करके उन्होंने कृष्ण रुक्मिणी को वहां से हरण करके ले आए। और हरण करके लाए कहाँ पर? द्वारका में लाए और बड़े धूमधाम से वहां पर उनकी शादी। इधर आ जाओ दोनों पति पत्नी, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो ये जो भागवत कथा 7 दिन तक हुई है, हमारे श्री राजेंद्र प्रभु और पत्नी का नाम क्या? तुम्हारे नाम क्या? कुसुम। सब लाइट जला दो तो। हाँ, इनका नाम भक्ति का नाम है, कृष्ण प्रिया दासी। इसलिए कहते ये दोनों पति पत्नियों ने और इनका बेटा बहू, ये सब मिल करके ये भागवत कथा रखवाए। इनकी पहले बहुत इच्छा थी हमारे घर में श्रीमद् भागवत कथा हो, क्योंकि जिस घर में श्री भागवत कथा हो ना, कहते ना मंगल भवन अमंगलहारी, घर का जितने अमंगल दुख कष्ट, जिस घर में कथा हो वो घर से सारे दुख कष्ट चली जाती घर में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिस घर में भागवत कथा हो, कहते सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, पृथ्वी का सारे तीर्थ उसी घर में आकर बैठ जाते हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सद्य पुनाति सद्धर्मम जानती विश्व द्रोह अपी, वो व्यक्ति जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, कहीं अगर भागवत कथा हो अनुमोदन भी कर देना। कहते अगर विश्व द्रोह क्यों नहीं हुआ, जगत द्रोह क्यों नहीं किया हो। माता जी बैठे चुप जाओ। इसलिए वो सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आप लोग पहले सुने होंगे जब श्री धुंधुकारी को प्रेत ज्योनि प्राप्त हुई और उन्होंने गोकर्ण ने पिंड दे करके आई, देखा घर में फिर भूत बंदर बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने पिंड दिया। बोले भैया मैंने इतना पाप किया, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो के मेरे को मुक्ति नहीं मिली। लेकिन मुक्ति कैसे मिली? भागवत कथा से मिली। इसलिए भागवत कथा की इतने शक्ति, इसलिए व्यास देव ने सारे ग्रंथों को रचना की थी, लेकिन शांति नहीं मिली। जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ रचना की ना, तब तो उनको परम शांति की प्राप्त हुई। मतलब क्या है? ये भागवत कथा से जीव को परम शांति, परम सुख भागवत कथा से मिलता है। प्रभु जी ने
आप लोगों ने देखा अकलांत दोनों पति पत्नी हम तो ही रहते हैं ना, ये चार बजे उठ जाते हैं और नहा धो करके भी उनकी बहू तीन उठ जाती है। यहाँ पर कथा जाकर साफ करना मंदिर का, आपको बहू कहाँ गई, यहाँ पर बहू है नीचे नीचे, इसलिए पूरा साफ सुथरा करते, दिन भर काम करती हैं, झाड़ू लगाते हैं, फिर सात दिन तक, फिर जिनके घर में कथा रही गंगा की नदी प्रवाहित है, जिनके घर में हुई, जितने लोग उसमें लाभान्वित हुए हैं, इसके फल किसको मिलेगा जो ये कथा करवा रहे हैं, आपको तो मिलेगा ही और विशेष करके इनको ये फल मिलेगा है। और इतना नहीं, कथा पे कथा, फिर बाद में सात दिन के लिए प्रसाद की व्यवस्था, सात दिन के लिए प्रसाद की व्यवस्था, ये कम बड़ी बात नहीं है, है? सभी के लिए सात दिन तक प्रसाद। और क्या बोलते जानते हो, बोले जब तक मैं रहूंगा साल में एक बार जरूर यहाँ कथा कराऊंगा, जरूर ही कथा कराऊंगा। और बहुत जी क्या कहते हैं, एक बार नहीं, मैं तो चाहता हूँ साल में दो बार कथा हो, तो दो बार कथा, मतलब भले ही जो कुछ हो लेकिन इतना बड़ा दिल हो ना, बहुत बड़ी लोग को वहां से बहुत तो पैसा है, देखना बेटी की शादी हो करोड़ रुपया खर्चा कर देगी, इधर उधर हो कितना पैसा, लेकिन कोई धर्म को काम में भगवान की कथा में कोई खर्चा करना दिल वाला चाहिए। इसलिए कहता ना, राम नाम की माला जपेगा कोई, जपेगा कोई, ये दिल वाले हैं, ये दिल वाले भक्तों को घर में रखा करके प्रसाद देना, सब कुछ हर तरह से करना। इसलिए मैं ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी को, संतों को, महाप्रभु को प्रार्थना करता हूँ, इनको ऐसे ही भक्ति प्रदान करते रहे, ये भक्ति में ऐसे हरे भरे रहे और खुद भी रस को पान करे और दूसरों को भी रस पान कराए। इतना नहीं, उनका बेटियों को, बहुओं को, बेटों को, बेटों को, पोतों को, सबका हरिनाम दिलाया। देखना इनका पोते छोटे छोटे, छोटी रखवाए घर में, तुलसी गड्ढी बहनाए छोटे छोटे बच्चों को है। इसलिए ऐसे पिता माता मिलना बड़ा कठिन है, जिस वर्ष में एक बेटा प्रभु का भक्ति में लगे जाए, भगवान कहते हैं उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाए, 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। इसलिए ऐसे परिवार मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए ठाकुर जी को भक्ति दे, प्रेम दे, और इनके लिए जोरदार, जितना जोरदार ताली बजाओ। हरे कृष्णा, और आप लोगों ने भी देखो जगह छोटी होने पर भी इतने गर्मी में भी आप लोगों ने घर का सारे काम को छोड़ करके यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हो। जो भगवान की कथा सुनते हैं ना, ये भगवान की गोद में बैठते हैं, ये कल्प वृक्ष को नीचे बैठे, जो माँ को भागवत से, जो निर्धन को धन प्रदान करता है, रोगी को निरोगी करता है, दुखी को सुख प्रदान करता है, जिसका पुत्र नहीं उनको पुत्र प्रदान करता है, शांत की सुख ये भागवत देने वाले, और सर्वोपरि भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, भगवत सेवा को ये भागवत देने वाले हैं। इसलिए आप लोग जो घर में, आप लोग एसी में कहीं बैठते लेकिन उसको आनंद को छोड़ करके आप लोग यहाँ पर बैठ कर कथा सुने हो, इसलिए आप लोगों के लिए भी मैं ठाकुर को प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी आपको भी खूब भक्ति दे, आपको खूब शक्ति दे, आपको ठाकुर जी प्रेम और शांति सुख दे। इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाना, जोर से इसलिए कहते इन्हीं कथा में हमारे साथ में जो क्या अभी ब्रजवासी, इनका नाम भी श्याम प्रभु है, और हमारे श्री श्रीकांत प्रभु जो पेड़ में, और जो ढोलकी बजा रहे थे मृदंग, हमारे श्री श्रीदाम भैया है कृष्ण की सखा, इन लोग भी हमारे साथ में हर जगह पर जाते हैं, हर तरह से प्रोग्राम में हर चीज में ये लोग हमें मदद करते हैं। आपको इनका अंगुल पर आप लोगों ने नाचे, ये सबका अंगुल पर ही आप लोग नाचे, इसलिए जो जिसको जितने नाचे वो आनंद आया, इनके नाम पर भी जोर जाता ली देते हैं। और इनकी कथा में हमारे श्री माइक वाले भैया, माइक वाले क्या नाम आपका है, अमन प्रभु जी, ये भी हर समय आकर के इन्होंने माइक, अगर माइक नहीं होता तो हमारे गले में भी बहुत भार पड़ता, इन्होंने भी माइक लगा करके जब जब बुला लेते थे तब तक वो आ जाते थे, पहले आकर बैठ जाते हैं, सब सेटिंग करते हैं, इसलिए आप इनके लिए भी जोरदार ताली हमारे साथ में श्री हैं कहते श्री दामोदर प्रभु जी, दामोदर प्रभु जी का है यहाँ पर श्री दामोदर जी नीचे है, इन्होंने भी आकर दिन भर रह करके सेवा किया है, और हमारे श्री गौर सुंदर प्रभु जी सेवा भी किया है और कथा भी सुनाया है, और हमारे श्यामानंद प्रभु जी इन्होंने भी हमारे साथ में आकर रोज रोज आपको कथा सुनाए,
हैं और हमारे साथ में सारी सेवा की, आप लोग भी इनके लिए जोरदार इन लोगों को आप लोग सब आशीर्वाद, सब बच्चे हैं अभी, सब बच्चे हैं सबके सब, इसलिए आप इन लोगों का आशीर्वाद, आप लोग सब माताएं, अगर आपके हृदय से अगर आशीर्वाद दोगे ना जरूर फल मिलेगा, इसलिए इन लोगों का आशीर्वाद दो, क्योंकि बच्चा है साधक करने के लिए आए, कभी कभी हमारा मन में भी चंचलता रहती है, क्योंकि हम तो बद्धे जीवी है ना, इसलिए कभी मन इधर उधर भटकता है, इसलिए आप लोग इन बच्चों को इतने कम उम्र में पिता माता छोड़ कर भक्ति करना साधारण बात नहीं, ये जो बच्चे अच्छे लिखे पढ़े वो सप्तरी इंजीनियर, ये बीटेक किया ही है, इतने अच्छे लिखे पढ़े लेकिन सब छोड़ करके आए गुरु वैष्णव के चरण में, इनकी बहू खड़ी आ जाए, इधर आ जाओ, इसलिए आप लोग इन्हें बच्चों को सबके सब आशीर्वाद देना, देखो ये इनकी बहू है, क्या नाम तुम्हारी बहू जी, इधर आ, क्या नाम तुम्हारी माता जी, कविता, मैंने नाम क्या दिया, कुंदलता दिया, इसलिए इन लोगों ने, इन्होंने माता जी एकदम सवेरे सवेरे सबसे पहले यही उठती है, घर की बहू है ना, इसलिए सबसे पहले उठ करके घर में झाड़ू लगाना, मेन रोड में झाड़ू लगाना, ये सब साफ सुथरा करके यहाँ पर आकर पोछा लगाना, ये हर तरह से ये सेवा करती है, हम चाहते ठाकुर जी ऐसे बहू संपत्ति जिसकी बहू की भक्ति में रुचि हो, भजन है और साधु संत है जिनकी रुचि हो, ठाकुर की बहू ऐसे ही बहू दे, और यहाँ पर हमारे की लता दीदी है यहाँ पर, अभी 7 दिन से आकर के यहाँ पर उन्होंने रसोई में सो रसोई किया है, और हमारे यहाँ पर प्रभु जी, क्या नाम आपके ऊपर जो बैठो सीढ़ी के ऊपर में, विजय प्रभु जी, और यहाँ पर और कौन प्रभु थे, राजकुमार प्रभु जी, और कौन प्रभु जी थे बोलो, पुरुषोत्तम प्रभु जी, हाँ इन लोगों ने, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोगों ने आए आकर के तन मन धन से हर तरह से सेवा किया है, हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ठाकुर सबको भक्ति दे, ठाकुर सबको प्रेम दे और सभी भगवान की भजन करें, और देखो इधर सुना, मैंने भी आपको 7 दिन तक कथा सुनाई कि नहीं, इसलिए मेरे को भी तो कुछ देना पड़ेगा, मेरे को आप ताली बजा कर ताली इतना ही है, इसलिए मेरे को आप लोग आशीर्वाद दो, क्या दोगे, अरे बोल रहे ना सचमुच से दो ही नहीं, हाँ मेरे को आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद दोगे, मेरे को ये आशीर्वाद दो जैसे सारा जीवन, इसलिए यही आशीर्वाद दो जैसे सारा जीवन में साधु संतों की आप लोगों की मैं सेवा कर पाऊँ, यही मेरे को आप लोग आशीर्वाद देना, ठीक है, और हृदय से हाथ उठा कर आशीर्वाद दो, मेरे को हाथ नहीं उठा आशीर्वाद है, ठीक है, लाल की कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ, कृष्ण माता कहीं खड़े हो गए, चुप बैठो, अभी खत्म होने जा रहे हैं, अभी ले आओ, इनकी शादी हो जाएगी तो साथ ले जाओ, आप दोनों बच्चों को ले आओ, इनके हाथ में दो माला दे दो, हाँ प्रभु जी कह रहे हैं अगली बार पूरा यहाँ एसी लगा देंगे, इस बार थोड़ा कष्ट हुआ, अगली बार पूरा एसी लगा देंगे, गुरु जी का बड़ा माला दो, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ये दोनों माला बजा रही, दोनों को माला बजाना पड़े, माता जी बैठो, ए बोदार यहाँ थोड़ा बैठ जाओ, वो दोनों को माला बदलाएगी ना, हाँ देखो अभी कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी, जब ये माला बदलाएगी ना, अब लोग उठो घर में, आप लोग ताली बजाना, रुक्मिणी ए रुक्मिणी माला पहना, रुक्मिणी
इसको सुदामा बनाया इसको ठीक है भजन गा लो प्रभु जी एक शादी का बनता बोला फटाफट बात क्या Yeah.